बैसनाथ में सहायता एकेडमी फॉर स्किल द्वारा पालमपुर के सुगल गांव में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत पडियार खर के प्रधान शिव कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस रोजगार मेले में दो कंपनियां Z4S तथा सहायिका सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने प्रशिक्षित युवा और युवतियों को रोजगार के लिए रजिस्टर किया तथा उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किए। सहायता एकेडमी के डायरेक्टर गोपाल कृष्ण ठाकुर ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत मिलने वाली इस ट्रेनिंग के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण संस्थान में युवक व युवतियों को एक माह की ट्रेनिंग निःशुल्क करवाई जा रही है, जिन्हें ट्रेनिंग के साथ रहने व खाने की निःशुल्क सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद उन्हें 15 दिन के अंदर रोजगार मुहैया करवाना भी संस्था की जिम्मेवारी है। उन्होंने कहा कि इस तरह प्रशिक्षण देने वाला प्रदेश का एकमात्र संस्थान है, जहां युवक व युवतियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा बेरोजगारों को इसका लाभ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक नए प्रोजेक्ट जो बैजनाथ के नौरी गांव में चलाया जा रहा है, उसमें जैविक खेती की जाएगी तथा प्रदेश के 85% किसानों को जैविक प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक व निपुण करके इस कंपनी के अलग प्रोजेक्ट लैंड ए हैंड के विक्रय केंद्रों के साथ जोड़ा जाएगा, जिसमें सभी प्रशिक्षित किसानों को अपने उत्पाद को विक्री करने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा, ताकि प्रधानमंत्री की इस योजना किसानों की आय दुगनी करना, प्रदेश के मुख्यमंत्री योजना ऑर्गेनिक स्टेट बनाना तथा प्रदेश के राज्यपाल की योजना जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के सपनों को साकार करने में PMKVY द्वारा रोजगार उपलब्ध करवाने में भरपूर मदद मिलेगी। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षित युवक व युवतियों को मुख्य अतिथि द्वारा प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे। सहायता एकेडमी फॉर स्किल्स में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें आज तक ट्रेन किए हुए हमारे 100 के आसपास स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। इन स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट दिए गए तथा बाहर से बड़ी कंपनियां जो आई थी उन्होंने इनको रोजगार भी दिया। यह स्कीम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, जो 2017 से 2022 तक चलेगी।